हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लिंगराज और आपको रोड चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं गणपति, मतलब आपको लेके आने के लिए मेरे पूरा फ्रेंड्स लोग हैं जो हम लोग मंडली का फ्रेंड्स है। तो हम यहाँ से निकलेंगे 10 किलोमीटर गांव कुदला करके, वहाँ से हम लोग गणपति लेके आएंगे। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, अभी सब फ्रेंड अपना अपना बाइक से निकले हैं। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 10 किलोमीटर दूर से है। तो हम लोग निकलेंगे, देखते हैं अभी गणपति बापा कितने रेडी हो चुके हैं, कलरिंग हुआ कि नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कलरिंग नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि जो कारीगर बोला था यहाँ पर आके करेगा कलरिंग। तो चलो देखते हैं, मेरे साथ बने रहे आप। हम लोग कुदरा में पहुँच गए, जहाँ से हम लोग को गणपति बापा का मूर्ति लेने का है। आप देख सकते हो ये पीछे पूरा मूर्ति का स्टॉल है, इसके अंदर मूर्ति बना जाता है। और यहाँ पे मैं आपको मिला देता हूँ जो हमारा कारीगर जो हमारा मूर्ति बना रहे हैं, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मूर्ति बन रहा है, ये जो हमारा कारीगर मूर्ति बनाते हैं हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा देखो जो कि पूरा मिट्टी से बनाया जाता है, प्लास्टर पेरिस का यूज नहीं होता। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि प्लास्टर पेरिस यूज़ करते हैं तो पानी में वो जल्दी मेल्ट नहीं होता है। बट ओडिशा में ये अच्छा चीज़ लगता है कि हर वो जो भी मूर्ति बनाए तो मिट्टी से बनाता है। तो मैं यहाँ पे आज जल्दी आ चुका, तो फ्रेंड लोग का वेट कर रहा हूँ। एक बार आ चुके तो मैं हम लोग को जो हम लोग का जो मूर्ति है मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग का मूर्ति बनाया गया है। दोस्तों अभी हम लोग अंदर जाएंगे जहाँ पे मूर्ति, मैं आपको चलो अंदर दिखाता हूँ मूर्ति कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मूर्ति बना जाता है और जो है वो कलरिंग करते हैं यहाँ पे बहुत सारा मूर्ति जो कि रेडी है, जस्ट कलरिंग करके जिस गांव में जाना हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ। अभी हम लोग चलेंगे हमारा गणपति जहाँ पे है, जो हमारा मंडल का है, मैं दिखा रहा हूँ हमारा गणपति किधर है। तो आप देख सकते हो ये जो अंदर है इसमें हमारा गणपति है, गणपति बापा हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे गणपति बापा मूर्ति है। तो ये जो ये हमारा मंडल का मूर्ति है जाएगा, आप देख सकते हो। एक्चुअली ये हमारा मूर्ति है, कलर नहीं हुआ है। तो हम लोग गाँव में लेके जाकर कलरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर है तो रास्ता भी थोड़ा ख़राब है। तो रोड पर लेके जाएगा, अगर कुछ भी टूट फूट गया तो फिर कलरिंग के बाद कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग बिना कलर के लेके जाएंगे और गांव में जाके इसको कलरिंग करेंगे। आप यहां पे देख सकते हो यहां पे बहुत सारा मूर्ति और भी है जो कि इसी गांव का, यहां पे सब मंडल का है। दोस्तों हम लोग सुबह सुबह निकले थे मूर्ति लाने के लिए, तो हम लोग कुछ टिफिन वगैरह नहीं किया, तो फिलहाल हम लोग टिफिन करने जाएंगे, उसके बाद फिर मूर्ति लेकर गाँव निकलेंगे। तो वीडियो में बने रहे आप। तो हमारा मंडली का सब मेंबर यहाँ पे आ रहे हैं नाश्ता करने के लिए। देखो वहाँ पे कान्हू भाई बैठे हैं, शंकर भी बैठा है। देखो ये तो पहला भूखड़ है। अभी गणपति आपा को बाहर लाने का प्लान चल रहा है, किस तरह लाए, क्यों बहुत बड़ा है इसलिए। फाइनली गणपति बापा हमारे गाड़ी के ऊपर बैठ चुके हैं, अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ा इसको एडजस्ट करके, क्योंकि 10 किलोमीटर दूर जाना है तो मे भी रास्ते में टूट भी सकता है इसलिए।
दोस्तों ये जो रोड है ये हमारे गांव की तरफ जाता है एंड यहाँ से जो गंदा रास्ता शुरू होता है बीच में बहुत सारा गड्ढा है। आप लोग देख सकते हो अभी गड्ढा दिख रहा है एंड हम लोग फ्रेंड लोग गाड़ी से जा रहे पीछे, अगर कुछ हेल्प लगे तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो रास्ता कितना गंदा है, फिर भी हम लोग धीरे धीरे भगवान से लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली गणपति बापा आ गए हमारे जहाँ पे पूजा होने वाली है, गणपति बापा का पूजा स्थल है। तो दोस्तों अभी हम लोग गणपति बापा को उतारेंगे जो उनका मंडप है जहाँ पे वो उनको बिठा के पूजा करने लो वहाँ पे लेंगे। अभी सब मंडल का एक एक मेंबर आ रहे हैं क्योंकि गणपति बापा बहुत वाइट है। हेलो दोस्तों, तो फाइनली गणपति बापा आ चुके हैं आप देख सकते हो, और हमारा यहाँ पे पूजा होने वाला है तो गणपति बापा यहाँ पे रख दिया गया अभी संभाल के, और जो हमारा कारीगर आ गया कल आएंगे फिर कलरिंग करेंगे। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।